दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी ऑल टाइम फेवरेट झटपट बनने वाली मैगी। तो चलिए बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंचल और आप सभी का स्वागत है आरसी फूड केंद्र में। दोस्तों सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैगी ले लेंगे दोस्तों, आप चाहो तो किसी ब्रांड का नूडल ले सकते हो। एक बड़े साइज का टमाटर काट लेंगे इस तरीके से, और एक मीडियम साइज का प्याज मैंने लंबे लंबे शेप में इस तरीके से काट लिया है। दो हरी मिर्च बारीक बारीक काट लेंगे। नॉर्मल चम्मच से 3 से 4 चम्मच मटर ले लेंगे। स्वाद अनुसार नमक ले लेंगे, धनिया पाउडर ले लेंगे, मिर्ची पाउडर ले लेंगे और हल्दी पाउडर ले लेंगे। तो चलिए दोस्तों बना लेते हैं। एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें 3 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल देंगे। आपके घर में जो तेल यूज़ होता हो वो तेल डाल लीजिएगा दोस्तों। गरम होने देंगे तेल को। गरम होने के बाद दोस्तों अब हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे कटा हुआ प्याज। दोस्तों प्याज को लाइट ब्राउन कर लेंगे, पूरी तरीके से हम ब्राउन नहीं करेंगे प्याज को। देखिए दोस्तों इस तरीके से लाइट ब्राउन कर लेंगे प्याज। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर और इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। दोस्तों ध्यान रखें मैगी के मसाले में नमक रहता है, तो आप उसी हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। मैंने छोटे चम्मच से 1/2 चम्मच नमक डाला है। टमाटर को थोड़ा गलने देंगे। दोस्तों आपको और किसी रेसिपी की वीडियो देखनी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आगे कोशिश करूँगी कि वो वीडियो आपके लिए बना सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ। टमाटर गल चुका है, अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। छोटे चम्मच से 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, 1/2 चम्मच मिर्ची पाउडर, और दोस्तों अब गैस का फ्लेम हम कम कर देंगे और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे और इसे 1 मिनट तक ऐसे ही पकाएंगे। दोस्तों आपको ये चटपटी मैगी की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब मसाले पकने के 1 मिनट बाद मटर डाल देंगे, अच्छे से वॉश करके अच्छे से मिला लेंगे और 2 मिनट के लिए ढक के छोड़ देंगे बिल्कुल कम फ्लेम पे, ताकि मटर पक जाए। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। 2 मिनट हो चुके हैं, मटर भी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे मैगी मसाला, मिला लेंगे अच्छे से और मैगी भी डाल देंगे और मीडियम गिलास से 1 गिलास पानी डाल देंगे और गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। 2 मिनट तक पका लेंगे हाई फ्लेम पे ही और चलाते रहेंगे। दोस्तों आपको कैसी मैगी पसंद है? सूखी मैगी पसंद है या ग्रेवी वाली? वेज मैगी पसंद है या फिर सिंपल मैगी? आपको कैसी मैगी पसंद है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। उस मैगी की वीडियो बना के मैं आप सभी से शेयर जरूर करूँगी। दोस्तों ये रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी को मिलती रहे। दोस्तों झटपट बनने वाली मैगी बन चुकी है, अब मैं सर्विंग बाउल में सर्व कर लेती हूँ मैगी को। दोस्तों ये 2 मिनट मैगी तैयार है। भले ही 2 मिनट की जगह 5 मिनट लग गए हो तो नाम तो उतना ही है 2 मिनट में बनने वाली मैगी। तो चलिए दोस्तों अब आप लीजिए चटपटी मैगी का मज़ा और हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।